जयपुर में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के बाहर आज स्टूडेंट्स ने बिना 45 दिन की ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल करवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है और काउंसिल ने प्रैक्टिकल करवाने के आदेश भी निकाल दिए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जिन निजी कॉलेजेस में प्रैक्टिकल करवाने का दबाव बनाया जा रहा है वहाँ इसकी कोई सुविधा नहीं है। उसमें रजिस्टर्ड बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 2015-16 के बैच आगे आरयूएचएसएस के बैचेज आगे जो सभी अप्लाई करने के लिए थे, लेकिन इन्होंने आरपीएमसी वालों ने 2016 वाले बैचेज है ना उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो सर ये मांग है कि जो 2016 वाले बच्चे हैं ना इनकी लीगल तरीके से ट्रेनिंग कराई जाए। जो प्राइवेट कॉलेजों ने इनका सेंटर दे दिया सभी में, वहाँ पर ना तो स्टॉप है तो लैब है, लेकिन लीगल तरीके से इनका काम होना चाहिए। हमारे 15-16 जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है। जो 16-17 बैच है उसकी प्रॉपरली इंटर्नशिप कराई जाए। जो 2 तारीख से स्टार्ट हो रही थी वो इंटर्नशिप बीच में रुक गई थी और उसका ऑर्डर भी जारी हो गया था। अब वापस से उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट करी जाए और रेगुलरली उनका जो प्रैक्टिकल डेट है प्रैक्टिकली डेट निकाले और उसके गवर्नमेंट कॉलेज में उनको प्रैक्टिकल कराए। जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको कराया जाए। हम भर्ती में आने के लिए उनको मना नहीं कर रहे, भर्ती में आने के लिए आए वो बच्चे। राज्य सरकार द्वारा भी भर्तियाँ निकाली गई हैं लैब टेक्नीशियन की और रेडियोग्राफर्स की, और इसकी अंतिम तिथि 2 जुलाई रखी गई है। हमारा बैच एक चल रहा है 2016-17 का, जिसके लिखित परीक्षा जो थी वो हमने मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले ही आयोजित कर ली थी। लिखित परीक्षा इनकी आयोजित हो गई थी। लिखित परीक्षा के बाद इनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं। अब क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ये लॉकडाउन हो गया था तो उस तत्समय ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आयोजित नहीं किए गए। तो ये अनलॉक 1 जब राज्य सरकार ने घोषणा की तो हमने राज्य सरकार की अनुमति लेकर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराने का निर्णय लिया। प्रैक्टिकल आयोजित किए जाने की वजह से यदि भर्ती में सम्मिलित हो सकें, प्रयास यही रहेगा कि ये भर्ती में सम्मिलित हो सकें।